बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ जनाब सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। जनाब आज का डे है संडे, डेट है 28 मार्च। मार्केट के ऊपर अपना व्यू देने वाला हूँ। वीकली व्यू होगा मार्केट का, जो कि स्टार्ट होगा जनाब 29 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक के लिए। शॉर्ट रिव्यू दूंगा मार्केट के ऊपर। वीकली परफॉर्मेंस चेक करेंगे, लास्ट वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, वो करंट वीक जो है मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। सबसे पहले मार्केट का पैटर्न चेक कर लेते हैं, मार्केट ने किस पैटर्न के ऊपर वीकली क्लोजिंग दी है। जैसा कि मैंने आपके साथ रिपोर्ट में लिख दिया है कि मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो 3 इनसाइड अप पैटर्न के ऊपर हुई है, वो कि आप चार्ट के ऊपर भी देख सकते हैं। क्लोजिंग जो हुई है वो 3 इनसाइड अप पैटर्न के ऊपर हुई है, जो कि बुल को फेवर कर रहा है। मार्केट ने जो अपना वीक ओपन किया था जनाब, वो किया था 44,901 के पास से। मार्केट ने जो अपना हाई टच किया 46,000 का किया। मार्केट ने जो पॉइंट्स गेन किए टोटल वो 1,100 पॉइंट मार्केट ने गेन किए थे। मार्केट के जो लो देखा गया वो 44,725 का देखा गया। मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए वो 45,521 के पास किए। मार्केट ने जो ऑल ओवर लास्ट के अंदर पॉइंट्स गेन किए हैं वो बनते हैं जनाब 620 पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए हैं, जो कि बनता है 1.30%। मार्केट ने 1.30% गेन किया है वीक के ऊपर। अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं तो जनाब मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम ट्रेड्स हुए हैं, शेयर्स जो ट्रेड्स हुए हैं वो हैं जनाब 1.16 बिलियन, लेकिन वो लास्ट वीक से जो है प्रीवियस वीक से लो रहे हैं 7.93%। मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है जनाब वो वीकली प्रीवियस वीक की जो रेजिस्टेंस थी 45,745 की, उससे नीचे क्लोजिंग हुई है। जैसा कि मैंने लास्ट रिपोर्ट के अंदर आपके साथ डिस्कस किया था कि बुल की कंफर्मेशन के लिए मुझे 45,700 प्लस की क्लोजिंग चाहिए, जो कि इस बात को कंफर्म करेगी कि ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने 46,000 को सस्टेन नहीं किया और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 45,500 के पास दी है। तो ये भी अच्छी क्लोजिंग है, कोई बैड क्लोजिंग नहीं है, गुड क्लोजिंग है, नॉट बैड क्लोजिंग। तो जनाब मार्केट के चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से बात करूं तो मार्केट जो मूव कर रही है स्लोली, वो अपने 47,155 के पास जाने के लिए मूव कर रही है। स्लोली मार्केट जो है मूव कर रही है। अगर मार्केट के ऊपर जो अभी ये नेक्स्ट जो सॉरी करंट वीक जो है ये मंथली क्लोजिंग भी आने वाली है, मंथली क्लोजिंग जो भी होनी है तो वो मंथली चार्ट के हिसाब से अगर मैं चेक करूँ तो मार्केट जो भी मूव कर रही है, ट्रेड कर रही है, जो मंथली पिवट बनता है 46,155 का, उससे नीचे क्लोज कर रही है मार्केट को। अभी तक मार्केट ने अभी मंथली रेजिस्टेंस को अभी तक टच नहीं किया है और इस वीक के अंदर जो है मार्केट को, करंट वीक के अंदर मार्केट को 46,155 एटलीस्ट जो 46,155 से ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। सेशन जो है 46,155 से ऊपर क्लोज करना चाहिए। अगर मार्केट ने 46,155 को क्लोज किया, क्रॉस किया, तो मार्केट इंशाल्लाह जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता 47,000 तक जा सकती है। तो जनाब मार्केट के अंदर अगर मैं टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करूं तो आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं, मैंने पैराबोलिक सार लगाया हुआ है। यहाँ पैराबोलिक सार जो है वो नेगेटिव इंडिकेटर दे रहा है, कोई पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं दे रहा है। वो देख सकते हैं करंट प्राइस से अबाव जो है वो अपेयर हो रहा है। अगर बोलिंजर बैंड की बात करूँ तो बोलिंजर बैंड के अंदर जो है कैंडलस्टिक जो है वो मूव कर रही है और बोलिंजर बैंड के मिड बैंड से ऊपर क्लोजिंग हुई है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रही है कि करंट ट्रेंड जो है वो स्ट्रेंथ के अंदर है। अगर मैं मूविंग एवरेजेस की बात करूँ तो जनाब मैंने सिंपल मूविंग एवरेज 5 डेज और 10 डेज का क्रॉस मूविंग क्रॉस ओवर जो है वो जनरेट किया हुआ है, वो देख सकते हैं। अभी तक क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ है और अभी तक वो भी जो है बुल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर मैं MACD की बात करूं जनाब तो MACD को आप देख सकते हैं, MACD भी जो है अभी तक स्टिल नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं दे रहा है। MACD की लाइन भी जो अभी तक सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ ही मूव कर रही है, अभी तक उसने कोई बुलिश सिग्नल जो है अभी तक जनरेट नहीं किया है। तो जनाब हम RSI की बात करें तो जनाब मार्केट की जो RSI है वो 59,000 मार्केट की जो RSI जो है वो 59.91 है, जो कि लास्ट थी 57.54 लेवल था, इंक्रीज़ हुई है हल्की फुल्की सी RSI। और मार्केट के पास जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है इस वीक के लिए 44,900 की है। मार्केट ने अगर 44,900 से नीचे की सपोर्ट से नीचे क्लोजिंग दी तो मार्केट जो है और नीचे की तरफ मूव कर सकती है। फिर मार्केट जो है 44,000 भी दिखा सकती है, इवन 43,700 भी दिखा सकती है। लेकिन अभी तक मुझे ओवरऑल मार्केट की समरी से बात करूं, मैं मार्केट को समराइज़ करूं वीकली चार्ट की पोजीशन देखते हुए, तो ये मैं कह सकता हूं कि मार्केट के अंदर जो करंट
पोजीशन बन रही है वो पॉजिटिव ट्रेंड की है, और मुझे रिकवरी कंटिन्यू होती हुई एक्सपेक्टेड लगती है कि कंटिन्यू रहेगी रिकवरी, मुझे पॉजिटिव वीक एक्सपेक्टेड है। तो जनाब मार्केट के पास जो वीकली रेजिस्टेंस ना है वो नंबर वन जो वीकली रेजिस्टेंस है वो 46,106 की है, और जो वीकली रेजिस्टेंस टू है वो 46,690 की है, और मार्केट के पास जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो 47,381 की है। मार्केट के पास जो वीकली पिवट है 45,415 का है, और मार्केट के पास जो वीकली सपोर्ट वन है वो 44,831 की है, और मार्केट के पास जो वीकली सपोर्ट टू है 44,140 की है, और मार्केट के पास जो वीकली सपोर्ट थ्री है 43,556 की है। तो मार्केट के अंदर आपको क्या स्ट्रेटेजी करनी, तो जनाब सपोर्ट के पास बाइंग करने की कोशिश कीजिएगा। नीचे की तरफ जो मार्केट डिप ले 400 500 600 की पॉइंट्स की अगर मार्केट डिप लेती है 44,900 के पास बाइंग करने की कोशिश कीजिएगा, 44,900 के आसपास बाइंग करने की कोशिश कीजिएगा, और सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी पे रहिएगा, 47,000 के आसपास एग्जिट लेने की कोशिश कीजिएगा। ये था छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।